तो ये अभी हमारी क्लासिक एस है, S11 बना दिया। यहाँ पे आप देख सकते हो हमारे अलॉयज भी लगने चालू हो गए इस गाड़ी के। देख सकते हो 20 इंच के मल्टीपल स्पोक वाले अलॉय व्हील स्कॉर्पियो के जियोटो की नई वर्कशॉप पे जो कि हमारी रामा रोड पर है। तो क्या हाल है चमुंडा भाई? बढ़िया। तुमसे मैचिंग बोर्ड का कलर है हमारे, कहाँ लेकर आ गए आज? नई वर्कशॉप में अपने, जियोटो की नई वर्कशॉप है हमारी है। बिल्कुल। तो यहाँ पे आप देख सकते हो जियोटो की हमारी ब्रांडिंग यहाँ पे है, और यहाँ पे देख सकते हो स्कॉर्पियो खड़ी हुई है। काम का तरीका देख सकते हो, बढ़िया तरीके से यहाँ पे काम होगा। स्कॉर्पियो काम होने के लिए व्हाइट बहुत दिन बाद देखने को मिल रही है इस वेरियंट। हमारा कालू सा फोटो बना रहा है। अच्छा कालू भाई यहाँ पे काम कर रहे हैं, क्या बात है कालू भाई, तो रह लो तो करते। तो ये देखो भाई गाड़ी में काम हो रहा है। अच्छा एक गाड़ी यहाँ पर खड़ी है, उसमें भी काम हो रहा है, और एक XUV 700 खड़ी आ गई। ये तो शायद ये लाडो है अपनी, इसमें भी काम हो रहा है। तो ये अपनी ये लाडो हो गई इधर। बाकी ये गाड़ी भाई क्या करने वाले हो आज, क्या क्या रहने वाले हैं पर बता दो थोड़ा। काम चल रहा है। इसमें क्या कर रहे हैं हम स्कॉर्पियो में? टोटल S11 है, डोर पैनल छोड़ के टोटल S11 है। उसके बाद एक्स्ट्रा मॉडिफिकेशन बहुत है इसमें। एक्स्ट्रा मॉडिफिकेशन, डोर पैनल रह गया था S11 कैसे गए? डोर पैनल कह रहे डाल दो, पर क्या करूं पार्ट अवेलेबल नहीं है। कोई नहीं, धीरे धीरे अब जैसे वर्कशॉप हमारी पूरी पहले डोर पैनल ना होने के वजह से भैया तो पैसे खर्च कर रहे हैं पूरी तरीके से। हाँ, पर डोर पैनल के पार्ट अवेलेबल नहीं है। ठीक है, तो डोर पैनल के बाद बाकी इधर देख सकते हो बम्पर यहाँ पे रेडी हो रहा है हमारे। इसके अंदर DRL इंस्टॉल हो चुकी है, और ये गाड़ी भी हमारी S वेरियंट रहने वाली है। इधर आप देख सकते हो ये हमारी स्कॉर्पियो क्लासिक S, उसके पीछे भी क्लासिक S खड़ी हुई है, और एक और आने वाली है सर, अभी एक और गाड़ी आने वाली है। तो आज फुल स्कॉर्पियो को धमाका दिखाएंगे आपको। ये भैया थक गए सो रहे हैं हमारे, गोरखपुर से चला के आए हैं। तो क्या क्या बात है। तो ये देख सकते हो भाई पूरी गाड़ी भी खुली पड़ी है। अच्छा मीटर भी रहने वाला है इसके अंदर? हाँ, मीटर भी चेंज होएगा हमारा, तो मतलब मजा आ जाएगा आज की वीडियो में। फुल इवेंट लग चुका है, AC वेंट वगैरह देख लो, सॉल्यूशन हो चुकी है। आपको पूरी वीडियो देखते रहना, वायरिंग का काम होने वाला है। उसके बाद इधर आप लोग देख लो सारे स्पीकर वायरिंग को प्रॉपर तरीके से लगाया जा रहा है, और कोई वायर कटिंग नहीं करी जा रही, सारी वायर सेपरेटली डाली जा रही है म्यूजिक सिस्टम के लिए। तो ये पूरा आप लोग चेकआउट कर सकते हैं यहाँ पर। बाकी भाई हमारा सीट कवर इंस्टॉल कर रहा है इसके अंदर। कितने लग गए अभी? एक ही लगा है? और बाकी की दो सीटें? बाकी का दो आमरेस लगने के। अच्छा आमरेस लगने के लिए, ठीक है। उसके अंदर जो हम आमरेस लगाते हैं, आमरेस लगाने के बाद उसके ऊपर सीट कवर चढ़े आएंगे। पीछे वाली सीट अभी हो रही है, इसके अंदर फ्लोरिंग रहने वाली है, फ्लोरिंग भी होगी। तो फ्लोरिंग वगैरह टोटल सारा काम होने वाला है, तो पूरा आप लोग चेकआउट देख सकते हो। जैसे एम्बिएंट लाइट वगैरह इंस्टॉल हो चुके गाड़ी के अंदर, प्रोसेसिंग में आ रही है। बेस मॉडल में भी एम्बिएंट लाइट की मैंने जुगाड़ बनाया है ये। हाँ ये दिलीप भाई ने पहले दिखा दी थी करोल बाग में, कितना अच्छा है। तो यहाँ बढ़िया, मतलब पहले था कि बेस मॉडल के अंदर लाइट लग नहीं सकती थी, सिर्फ डैशबोर्ड पे लगती थी, पर यहाँ पर भी अब लगा दिए जो कि अच्छी लग रही है। बाकी डोर पैनल इस गाड़ी में, एक डोर पैनल की कमी आ रही है, परेशान हो रखे डोर पैनल के लिए। बाकी पूरी गाड़ी हम टॉप मॉडल आपको करके दे रहे हैं, जिधर से आप लोग चेकआउट कर सकते हो। मीटर हमारा लग चुका है S11, उसके अलावा सिस्टम का काम चल रहा है। सिस्टम में क्या लग रहा है भाई इसके अंदर? इसमें आएगा कंपोनेंट पाइनियर का। हाँ, पीछे अपना ओवल, पीछे ओवल है। हाँ, एक बेस ट्यूब है, जेबीएल बेस ट्यूब लगेगी इसके अंदर, बेस ट्यूब लगेगी, बेस ट्यूब और एम्पलीफायर है, एक एम्पलीफायर है। डैम्पिंग होना था, डैम्पिंग हुआ नहीं, डोर जब काम होगा उसके बाद डैम्पिंग। अच्छा डोर पैनल जब लगेंगे तब डैम्पिंग होगी, तब बढ़िया तरीके से हो जाएगी। अभी तो डैम्पिंग मतलब नहीं बनता, खराब भी हो जाएगी और ढंग से लग भी नहीं पाएगी। वेलकम भी कर रहा हमारा शोरूम, वेलकम लाइट हमने इधर लगा दी है। फ्लोरिंग होगी इसके अंदर? हाँ, फ्लोरिंग भी होगी। तो अभी फ्लोरिंग भी, पहले सिस्टम वगैरह का काम कंप्लीट होगा, उसके बाद आपको फ्लोरिंग दिखाएंगे। तो बाकी हमारी सीटें यहाँ पे देख सकते हो आप लोग, ये सीटें इसकी। आमरेस नहीं लगा इसके अंदर आज? लगेगा। अच्छा आमरेस लगेगा अभी, तो देख सकते हो आप आमरेस इसके अंदर अभी लगेगा। ये पीछे वाली सीटें, सारी सीटें भी बाहर है। सीट कवर आप लोग देख सकते हो ब्लैक वाला, बहुत बढ़िया लग रहा है। ये बकेट फिटिंग में रहने वाला है, ठीक है। तो धीरे धीरे जैसे गाड़ी कन्वर्ट होती रहेगी दिखाते रहेंगे। दिखनी शुरू की होगी कि हाँ भाई धीरे धीरे S11 होती जा रही है गाड़ी हमारी। तो देख सकते हो अलॉय व्हील का भी हिसाब किताब होने वाला है। बाकी कालू भाई क्या कर रहा, क्या हो रहा है भाई? कालू भाई मच्छर मार रहे हैं, कस्टमर का ध्यान रख रहे हैं भाई, ताकि मच्छर ना काटे। तो भैया बैठे हुए
आप देख सकते हो हमारे अलॉयज भी लगने चालू हो गए इस गाड़ी के अंदर से बताया तो 20 इंच के अलॉय व्हील्स भी हम लगाने वाले। तो एक नेक्स्ट लेवल गाड़ी जो हमारी तैयार हो रही है, मैं आपको आगे की साइड दिखाऊं तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो हमारे स्टॉक व्हील्स लगे हुए इसके अंदर, रिम जो आते हैं कंपनी से, और यहाँ पे जो है उसके अंदर 20 इंच के अलॉय व्हील्स लगा रहे हैं। ड्रम को जो है ग्रीन कलर में पेंट करने के बाद फिर अलॉय व्हील इंस्टॉल करे जाएंगे। क्यों कालू भाई, मजा आ जाएगा ना? मजा आएगा? अबे बता तो दे यार, मजा आएगा कि नहीं आएगा? अबे यार तू यार जवाब ही नहीं देता, मजा आएगा? तो देख सकते हो 20 इंच के मल्टीपल स्पोक वाले अलॉय व्हील स्कॉर्पियो के अंदर हम इंस्टॉल करने वाले हैं। आप देख सकते हो इसके अंदर टायर्स भी लगे हैं ब्रांड न्यू ड्यूलर के, और ये देख सकते हो मजा आने वाला है। मतलब आज की गाड़ी जो है कुछ नेक्स्ट लेवल ही तैयार होगी। देखने दिखाने लायक चीज तैयार हो रही है जय ऑटो रामा रोड पर, एड्रेस सेव कर लो, स्कॉर्पियो स्पेशलिस्ट जय ऑटो। चमुंडा भाई क्या है तुम्हारे हाथ में? हमारा क्लाइडिंग पेंट हो गया है, तो ये आपको दिखा देते हैं। ये पार्ट हमारे पास रेडी मिलेगा आपको एनी टाइम, तो ये चीज़ आपको दिखा देते हैं। ये स्कॉर्पियो की क्लाइडिंग पार्ट है जो कि बेस मॉडल में पेंट हुआ नहीं आता, तो ये पेंट वाला पार्ट हमारे पास अवेलेबल है। तो ये जो है गाड़ी के अंदर सीधा ये सारे लॉक होकर गाड़ी में इंस्टॉल हो जाएंगे। ठीक है, तो गाड़ी आप लोग देख सकते हो ऑलमोस्ट फाइनल होने वाली है हमारी। तो एक बाहर का लुक आप जो देख सकते हो गाड़ी का अलग ही देखने को मिल रहा है। 20 इंच अलग भी लगते हैं गाड़ी का पूरा कह सकते हैं पूरा लुक जो है चेंज हो चुका है। तो ये पूरी देख लो भाई गाड़ी आप, ये अंदर जो है हम स्कॉर्पियो के हमारे जो वुडन वाले पार्ट्स हैं इंस्टॉल कर रहे हैं। देख सकते हो S11 में जैसे आता है ये सेम हाइड्रो डिपिंग करके इसके अंदर इंस्टॉल कर रहे हैं। तो कालू भाई यहाँ पे लगे पड़े हैं इसको इंस्टॉल करने के लिए। तो ये देख सकते हो आप गियर कंसोल वाला पार्ट है हमारा, ये हमारा एंड्रॉयड फ्रेम है, उसके साथ साथ अगर आप चाहो तो ये वाला पार्ट भी हम करके दे देंगे आपको, बट ज़्यादातर लोग ये और ये कराते हैं। उसी के साथ में AC के क्रोम भी हमने इसके अंदर इंस्टॉल कर दिया है, तो पूरा आप लोग चेकआउट कर लो भाई। कालू भाई क्या लगा रहे हो? भाई ये कंसोल है, कंसोल है कालू भाई, कंसोल इंस्टॉल कर रहे हैं अभी। तो यहाँ पे देख सकते हो हम सीट इंस्टॉल हो रही है। तो एक ना एक जो बात है इस वर्कशॉप में ये कि काम जो है बहुत सुकून से हो जाता है गाड़ी का, सारे लोग बढ़िया तरीके से यहाँ पे फ्री माइंड होकर काम करते हैं, ना कोई शोर शराबा है ना हल्ला है, पार्किंग का स्पेस भी अपने आराम से, यहाँ पर गाड़ी आराम से आके खड़ी होगी आपकी, बढ़िया तरीके से काम हो जाएगा, तो कोई टेंशन वाली बात नहीं है। सबसे बढ़िया बात जय ऑटो रामा रोड की ये है कि यहाँ पे आपकी गाड़ी बहुत बढ़िया तरीके से तैयार होगी। और ज़्यादा जो आपकी कंप्लेंट थी कि भाई टाइम लगता है, तो अभी आप लोग टाइम देख लो, 8:15 और गाड़ी चमुंडा भाई कितने बजे फाइनल होगी? 8:30 बजे तक मैक्सिमम, आधे घंटे में गाड़ी फाइनल हो जाएगी। तो करोल बाग में जो लोगों की शिकायत रहती थी टाइम लगता है, वो शिकायत भी दूर कर दी, और भीड़ भड़क्के की शिकायत भी दूर कर दी। सब कुछ चमुंडा भाई ने बहुत सोच समझ के वर्कशॉप प्लान करी थी। तो ये भीड़ भाड़ जिस हिसाब से काम कराओगे, ठीक है, दो दिन टाइम लेके चलते हैं, पहले ही बता देंगे। करोल बाग में नहीं, जैसे आपको बोला आज गाड़ी दे देंगे पर वो कल पे शिफ्ट हो जाते, वो वाला चक्कर खत्म हो गया हमारा। फालतू लेके चलूंगा, सेम डे काम करने की कोशिश करूंगा, नहीं हुआ तो सेकंड डे। और स्टाफ भी फ्री माइंड होकर काम करते, देख लो बंदे फटाफट सारे, एक बंदा इधर काम कर रहा है, एक उधर काम कर रहा है, ये देख लो इधर देख लो रोशन भाई हमारे आगे बंपर की फिटिंग कर रहे हैं। तो ये सबसे बढ़िया बात है कि एक साथ सारे लोग काम कर रहे हैं गाड़ी पे, फोकस है ना हमारा, ये तरह ये नहीं है कि जो कभी मेरा दिमाग जा रहा है तो इधर जा रहा है, कहीं पड़ोस में क्या हो रहा है, कभी उधर क्या हो रहा है, टाइम पास वाली चीजें सारी खत्म हो गई, यहाँ पे सिर्फ काम ही काम है। तो बस अपने काम पे ध्यान दो बढ़िया तरीके से यहाँ पे, बाकी गाड़ी जो है फाइनल होने वाली, ग्रिल लगेगी, बम्पर इंस्टॉल हो रहा है, तो दिखाते हैं आपको अगले शॉट में। तो ये अभी हमारी क्लासिक S है, और अब इसको हम S11 बना दिया। सिर्फ लोगों से ही नहीं पूरी गाड़ी तैयार करी है, तो अब पूरी वीडियो आप लोग देखो आगे गाड़ी किस तरीके से तैयार हुई है, बुलाते चमुंडा भाई को दिखाएंगे आगे क्या क्या करा है इस गाड़ी के अंदर। गाड़ी हो चुकी है हमारी तैयार, तो मैं आपको दिखाने वाला हूँ 3, 2, 1 एंड गो। ये देख लो भाई गाड़ी बहुत बढ़िया लग रही है आज चमुंडा भाई, मतलब एक नेक्स्ट लेवल वाला काम हुआ है। जो एक छोटी सी जो निराशा वाली बात हमारी रही है वो रही है कि डोर पैनल नहीं लगे, बट बस मेरी तरफ से ही रहेगा, तुम्हारी वैसे रहेगा, चलो कोई बात नहीं, बट स्टिल गाड़ी बहुत अच्छी तैयार हुई है। मतलब जो भी देखेगा ना इस गाड़ी की तारीफ ही करेगा, और रोड पे चल दे तो 4 चांद लगा देगी। एक तो पहली बात फ्रंट से कोई देख के इस गाड़ी को कह नहीं सकता कि ये हमारी बेस मॉडल थी, S वेरिएंट थी, कोई भी नहीं कह सकता। एक आगे का लुक आप लोग पूरा चेकआउट कर सकते हो कितना बढ़िया वाला लग रहा है। कंपनी से पेंट करवा के आए थे, ये वाला पेंट नहीं हुआ था सिल्वर, अभी मैंने सिल्वर पेंट सिल्वर करा के दिया है चमुंडा भाई। इधर साइड से नहीं था ये, सिल्वर नहीं था, ये सारे पीसेस हमने इसके अंदर लगाए, इतने सिल्वर दिख रहा सारे मैंने करके दिया अभी। तो गाड़ी आपने जैसे स्टार्टिंग से वीडियो देख रहे हो तो आपने बिफोर देखा होगा, तो ये आफ्टर आप लोग पूरी चेकआउट कर सकते हो गाड़ी। तो फ्रंट से अगर हम डिटेल से बात करें तो सबसे पहली चीज यहाँ पे जो हमने लगाई है वो इसकी ग्रिल है, जो कि ये वाली आती थी, ये देख सकते हो आप, चेक करो ये ग्रिल आती थी, हाँ ये फर्क आपको यहाँ पे देखने को मिल गया होगा। ये बेस मॉडल की थी, ये टॉप मॉडल की ग्रिल हमने यहाँ पे इंस्टॉल कर दी है। उसके बाद यहाँ पे आपको DRLs देखने को मिल जाएंगी, जो कि
टॉप मॉडल में ही आती है, महिंद्रा जेन्युइन एस इलेवन वाली, कोई ये नहीं कि आफ्टर मार्केट पार्ट लगाओ, ऐसा नहीं है, ठीक है, टॉप मॉडल है, क्लासिक वाली है, चकोर दिन दिया चक्कर, ये देख लो, हाँ क्लासिक वाली है, ये नहीं कि हम आपको पुरानी, सही है, ठीक है, फॉग लाइट महिंद्रा जेन्युइन रहने वाली है, इसमें एलईडी मैंने फिटिंग करी, एलईडी लगाई है इसके अंदर, बाकी हेडलाइट में भी व्हाइट लाइट है टोटल, टोटल ठीक है, वो आपको लास्ट में चेकआउट करा देंगे आपको, ठीक है, पुलिस लाइट है हमारी तरफ से रिकमेंड, हमारी तरफ आपकी अपनी मर्जी, आप लगवाना चाहो हमारे पास मिल जाएगी, बट हम आपको, ठीक है, तो साइड प्रोफाइल में आपको लेके चलते हैं, जो भाई 20 इंच अलॉय व्हील हमारे मल्टीपल स्पोक डिजाइन, तो ये आप चेकआउट कर सकते हो, 20 इंच में ये हमने इसको चेंज करने से, पहले आपने देखा था इसके अंदर वो लगे हुए थे टॉप बेस मॉडल नॉर्मल था, रिम लगे हुए थे, लगा हुआ था 20 इंची, सेम डे पूरी गाड़ी तैयार है, सेम डे गाड़ी पूरी तैयार हुई है, तो आपको डिटेल दिखाते हैं, और ये सारे पार्ट हमने पेंट कराए हैं इसके अंदर, ये वाली सिल्वर पार्ट होगा, सिल्वर पार्ट पेंट इन्होंने करवा के लाए थे, ठीक है, ओआरबीएम मिरर इंस्टॉल हुए हैं इधर, ये वाला पार्ट देख सकते हो सिल्वर, ठीक है, ओआरबीएम मिरर, डोर वाइजर्स हमारे इसके अंदर लगे, वाइजर क्रोम लाइनिंग वाला, ठीक है, सही है, फुटरेस्ट ये देख सकते हो, फुटरेस्ट रूफ रेल भी लगाई है इसके अंदर हमने, ड्रिल वाली, हाँ। जो कि टॉप मॉडल वाली होती है, कुछ अलॉय लगती है ना गाड़ी ना, एक खिल के बाहर आती है, तो पीछे का लुक आप लोग देख लो कितना मजेदार लग रहा है, मतलब मजा आ गया, थोड़ा और अगर मैं जूम आउट करूँ तो ये देख लो भाई, ये दूर से देखो गाड़ी को आप, कुछ अलग ही दिख रही होगी, ये सबसे मेन चीज जो ये पिलर लाइट ने हमारे पीछे का लुक को चार चांद लगा दिया, मजा आ गया बिल्कुल, चार चांद, क्लासिक टॉप मॉडल के अंदर भी ये ब्रेक लाइट नहीं आता, छोटी सी आती है, टॉप मॉडल में भी, टॉप मॉडल में भी मैं डाल के दे रहा हूँ, एक छोटी सी लाइट लगने के बाद गाड़ी गेटे भी गेटेबल होता है, वाइपर हमारा वर्किंग है नहीं, डमी है, ठीक है, वर्किंग लगवाना चाहो वर्किंग हमारे पास अवेलेबल है, सब कुछ है जो आप चाहो, रिफ्लेक्टर बॉडी कलर में, रिफ्लेक्टर, ठीक है, ये सारी चीजें बाहर से रहने वाली है, देख लो क्या बात है, तो ये हमारे मैट है, मैट के नीचे फ्लोरिंग भी ऐसी है, तो ये जो फ्लोरिंग है भाई इसको क्या कहते हैं, बहुत अच्छी लग रही है, अगर ऐसी फ्लोरिंग बंदा करा ना, मेरा बंदा, मेरे ऐसा बंदा तो मैट भी ना लगाए, क्योंकि फ्लोरिंग इतनी सुंदर है, बाकी स्पीकर फिटिंग हो गया इसके अंदर, स्पीकर आप लोग देख सकते हो, इसमें डैम्पिंग यूज नहीं किया क्योंकि ये दो चार दिन में गाड़ी आने वाला, डोर पैनल के लिए जब आएगी तब इसके अंदर दोबारा से इसके अंदर, ठीक है, तो अब लेके चलते हैं आपको अंदर, अंदर दिखाएंगे मेन डिटेल वाला काम, तो मैं आपको देखने को मिलेगा वेलकम प्लेट हमारी स्कॉर्पियो की, स्कफ प्लेटिंग आप पूरी देख सकते हो, तो यहाँ से मैं आपको लुक दिखाऊं, क्या बात है भाई, गाड़ी अंदर से आप लोग एक 360 व्यू में देखोगे, तो गाड़ी लाइट ऑन कर दो गाड़ी कुछ अलग ही आपको एक चार चांद लगा रही होगी, सीट कवर आप लोग देख सकते हो ऑल ब्लैक, इस गाड़ी की थीम में हमने ऑल ब्लैक रखी है, हाफ बकेट है, अच्छा हाफ बकेट है, हाफ बकेट है, फुल बकेट नहीं है, फुल तो हमारा खुद ही अलग मुंह से बताता है, वो आप देख सकते हो उसके अंदर पैडिंग वगैरह सब एक्स्ट्रा रहती है, ये नॉर्मल सीट कवर्स है, हाफ बकेट आप लोग, ठीक है, तो ये अपनी चॉइस के हिसाब से आप लगवा सकते हो, अंदर बैठेंगे सबसे पहले देख सकते हो हमारे 70 मैट्स, 70 मैट फ्लोरिंग स्टीयरिंग सीट कवर सब एक लेवल का, एक लेवल मैचिंग में कर रखा है, ठीक है भाई, यहाँ से आप लोग देखोगे, ये हमने आपको दिखा दिया, इसके अंदर एम्बिएंट लाइटिंग भी आपको देखने को मिलेगी, जो कि आपको पहले स्कॉर्पियो में क्लासिक में हम नहीं करते थे, बट अब हम बेस मॉडल में भी करने लगे, बाकी अगर ये गाड़ी भाई है जब इसके अंदर डोर पैनल लगेंगे तब यही लाइट उसमें काम में आ जाएगी हमारी, सेम, ठीक है, तो ये आप लोग देख सकते हो एसी वेंट क्रोम हमने इसके अंदर इंस्टॉल करे, जो कि टॉप मॉडल वाले आते हैं, पूरा पार्ट चेंज होता है उसके अंदर, ये देख सकते हो छोटे वाले जो ऑन ऑफ वाला कंसोल है ना, इसकी भी आप क्रोम आपको देखने को मिल जाएगा पूरा, तो मतलब ये बीच का पूरा हिस्सा आप लोग देख लो, कहीं से देख के आपको ना गाड़ी बेस मॉडल लगेगी, बस हाँ ये चीज थोड़ी सी जो है ये, उसके लिए भी कुछ आपको जल्द चमुंडा भाई खुशखबरी दे देंगे, तो बाकी इधर आप लोग देख सकते हो स्टीयरिंग देख लो, कोई कह सकता है स्टीयरिंग देख के कोई बता नहीं सकता कि ये बेस मॉडल, सामने मीटर देख लो S11 वाला हमारा, बाकी वो आरबीएम के अंदर आप देखोगे इधर सराउंड बन गया, अच्छा इधर ट्विटर पोर्ट बोलेंगे, ट्विटर पोर्ट बोल देते, ये हमारा मिरर स्विच, ये मिरर स्विच, ये देखो मिरर में फंक्शन करके दिखा दो ये देखो फंक्शन कर रहे, हाँ ये राइट में जाएगा, लेफ्ट मिरर वर्किंग है, सारा वर्किंग है, तो ये पूरा आप लोग चेकआउट कर सकते हो, एक मजेदार वाला काम आज इस गाड़ी के अंदर हुआ है, ये 150 वाट की एलईडी तो मस्ट है भाई, हम जरूर लगाते हैं, एक हमारे सनग्लास होल्डर है इसके अंदर, ठीक है, बीच में पीली लाइट है, यहाँ पे आप लोग चाहो रीडिंग लाइट लगवा सकते हो, वो जैसा आपको अपना उस हिसाब से आप काम करा सकते हो, पर ये गाड़ी जो है आर्मरेस्ट लग गया इसमें, आर्मरेस्ट
ठीक है, जैसे S11 में आता है। अच्छा भाई, जैसे किसी बाइक को हाइट एडजस्टमेंट वाली सीट चाहिए S11 वाली, वो मिल जाएगी हमारे पास? पुराना मिलता नहीं है, पुराना मिलता पर लग जाती है, कोई दिक्कत नहीं आती उसमें। तो वो आप पुरानी लगवाना चाहो पुरानी लगवा सकते हो, कोई इशू वाली बात नहीं। बाकी गाड़ी जो है आपको कैप्टन मॉडल कन्वर्ट कराना है वो भी हम करते हैं। स्कॉर्पियो के सारे सोल्यूशन हमारे पास है, स्कॉर्पियो ले आओ और काम बता दो, वो आपको जोमेटो पे मिल जाएगा। तो ये चीज आप लोग के लिए काफी बढ़िया है। और बाकी इसके अंदर हमने एंड्रॉइड भी इंस्टॉल करा है, आप देख सकते हो एंड्रॉइड स्क्रीन इसके अंदर हमने लगाई है। इसके अंदर हमने लगाई है 2GB RAM 16GB इंटरनल, 2GB RAM 16GB इंटरनल मेमोरी के साथ हमने इसके अंदर एंड्रॉइड स्क्रीन लगाई जो कि काफी बढ़िया है। ये देख सकते हो टच रिस्पॉन्स, इसकी वीडियो क्वालिटी में दिखाता हूँ, वीडियो क्वालिटी आपको चेक करा। तो भाई फुल HD में वीडियो चल रही है हमारी बढ़िया तरीके से। तो ये स्क्रीन गाड़ी में आपके लिए रिकमेंडेड, आप लगवाना चाहो लगवा सकते हो। सारी चीजें जो बोलोगे आपको सब कुछ मिल जाएगा, भर भर के मिलेगा स्कॉर्पियो के लिए। तो ये जो वर्कशॉप है महिंद्रा जेन्युइन वर्कशॉप है हमारी चमुंडा भाई की, तो यहाँ पे चमुंडा भाई आपको हमेशा मिलेंगे। तो यहाँ पे आओ काम करवाओ, डिस्काउंट वगैरह सब बढ़िया मिलेगा, काम अच्छा होगा। डिस्क्रिप्शन में नंबर मिलेगा, फ्लैश होते हुए नंबर मिलेगा, आप कॉल करके आइए। अगर आपको डायरेक्ट भी आना हो तो लोकेशन भी हमारा है, गूगल मैप है, आराम से आप आ सकते हैं। ठीक है, बाकी एक बार मैं आपको साउंड क्वालिटी चेक करा देता हूँ, इस गाड़ी में पूरा कम्प्लीट सिस्टम लगा था, एक बार सिस्टम भी आपको सुना देते कैसा लगता है। दिखाते हैं आपको म्यूजिक भाई, प्ले कर दो एक बार। मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में, उससे पहले भैया से बात कर लेते हैं जिनकी गाड़ी है मेन, तो वही बता पाएंगे उनको कैसा लगा काम। तो चलते हैं भैया से बात करते हैं एक बार। तो भाई आप लोगों ने देख ली गाड़ी हो चुकी है तैयार है हमारे भैया। भैया क्या नाम आपका? यूपी में कहाँ से? अयोध्या से। तो भाई आप लोग बताओ को काम कैसा लगा, जैसे गाड़ी आप लेकर आए थे बेस मॉडल, ठीक है, अब जो घर लेके जा रहे हो मेरे हिसाब से तो अलग ही चीज है, बाकी आप बढ़िया तरीके से बताओ। काम तो भैया एक नंबर हुआ है, बस वही कमी रहेगी वो आप सबको पता ही है, डोर पैनल और वो भी 3 दिन में। शांति बिल्कुल बढ़िया तरीके से बैठने का, सब कुछ शांति, तो काम बिल्कुल बढ़िया तरीके से यहाँ पर हो जाएगा। जिस भाई को कॉल हो जाना वहाँ पे भी हमारा शॉप है, और जिसको शांति से बिल्कुल टेंशन फ्री काम करवाना हो, क्योंकि मेरे सोर्स रहा वाले चाहिए पार्किंग का टेंशन फ्री हो, तो यहाँ पे आके आप करा सकते हो। जय ऑटो रामा रोड, यहाँ पे फोन नंबर आपको चमुंडा भाई का फ्लैश हो रहा होगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, मैप पे लिंक, मैप अपने फोन में लगाओ और फटाफट यहाँ पे पहुँच जाओ बिना किसी देरी के। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए भाई जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं करा सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि स्कॉर्पियो में नेक्स्ट लेवल आ गया।